जय श्री गणेश जी। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना और महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान। तीसरा चैनल है द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्रा। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले आपका अभिनंदन करती हूँ। वो सभी लोग जो मुझसे बड़े हैं, मेरे माता पिता समान हैं, उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि संध्या के अपने माता पिता तो है नहीं, ठीक है। और साथ में वो सभी लोग जो मुझसे उम्र में छोटे हैं या मेरे हम मैं उन सबको आशीर्वाद और बच्चों को प्यार। मेरे पास वैसे तो चाहे वो 65 साल का व्यक्ति हो, चाहे 70 साल का हो, चाहे कोई 7 साल का हो, सभी मुझे माँ कहते हैं। उसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान जो मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, और सब ये मेरा चैनल है और इसको मैंने रजिस्टर्ड भी कराया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मुझे ISO 9000 भी मिला मेरे काम को देखकर। चैनल्स पे आती हूँ सेलिब्रिटी के रूप में, वो भी आपको पता ही है। अभी मैं आपको बहुत 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 अच्छा एक प्रयोग देने जा रही हूँ, और इस प्रयोग में आपको कोई भी आपकी बहुत पुरानी मनोकामना है वो तो पूरी होती है। अच्छा, एक देवी होती है जिसको हम बोलते हैं माता सरस्वती। ये देवी सरस्वती का काम क्या है, ये एक्चुअली में क्या होती है, हमारी दो चीज़ें पूरी करती है। देवी सरस्वती को वशीकरण की देवी भी माना जाता है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। दूसरी बात है, देवी सरस्वती के बारे में क्या कहा जाता है, हम में से अधिकतर लोग देवी सरस्वती की पूजा पाठ नहीं करते हैं। अपने लिए बात करूँ तो मैं भी नहीं करती हूँ, मगर देवी सरस्वती जो कर सकती हैं वो कोई सरस्वती देवी नहीं कर सकती। उसका कारण यह है कि देवी सरस्वती के अंदर एक बहुत ही अचूक गुण है, और वो अचूक गुण ये है, देवी सरस्वती अगर आपकी जबान पे आकर बैठ जाएं तो उस समय आप जो भी कार्य बोल रहे हैं वो कार्य अच्छा हो या बुरा हो सिद्ध हो जाता है। और कहते हैं कि हमारे जो एक पूरा दिन होता है 24 घंटे का, उसमें हर प्रहर होता है 2.5 घंटे के आसपास का, उसमें एक बार देवी सरस्वती आपकी जबान पे बैठती है। जैसे 9:09, 3:03, 4:04, और जब दोनों जब रात को घड़ी में 0:00 हो जाता है ना, उस समय ऐसे टाइम में देवी बैठती ही बैठती है। ऐसे टाइम में यदि आप किसी बात को बार बार बोल रहे हो तो वह सिद्ध होगा। आकर्षण का नियम जो कहता है यूनिवर्स में कि जो तुम मांगोगे वो तुमको मिलेगा, उसका एक कारण ये भी है। इसका कारण ये है कि जब तुम सोचते हो, जब आप सोचते हो कि काश, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं और कहते हैं कि दीदी हमारा जोड़ा हमारे साथ ही साथ बना रहे, उसके लिए आप हमारे लिए यूनिवर्स में मैसेज भेजिए। तो सबसे पहले जैसे कि आकाश चाहता है कि इमरान के साथ उसकी दोस्ती आजीवन बनी रहे, वो एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें, तो यूनिवर्स आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश और इमरान हमेशा साथ हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सुरेंद्र सैनी नित्या के साथ बहुत बहुत खुश है, और वो दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं। इसके लिए भगवान श्री गणपति महाराज, मेरे यूनिवर्स और महादेव आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे ही मुझे एक लड़की ने और दिया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। मेरे पास पूरे दिन में बहुत सारे लोग आते हैं जो इस तरह से कहते हैं कि हमारा नाम आप बोल दीजिए, क्योंकि ये बात सत्य है। जब भी कभी मेरा ये वीडियो कोई सुनता है उस टाइम पे, यदि जिस समय वो सुन रहा होगा उसके जीवा पे सुनते समय अगर माँ बैठ गई सरस्वती जी, तो ये बात सत्य हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि मेरा ये वीडियो बनने के बाद कितनी बार कहाँ कहाँ लोग सुनते हैं, इसलिए आप यूनिवर्स को मैंने मैसेज भेज दिया है। तो सरस्वती जी का काम क्या है, वो आपकी जवान पे जब बैठ जाती है तो बात को सत्य कर देती हैं, और मैंने इसीलिए दो व्यक्तियों का नाम लिया है कि उन दोनों का काम अवश्य पूरा हो जाए। इसके अलावा अमोघ मिश्रा उसका विवाह संबंध कीर्ति वर्मा के साथ हो गया है, और उसने कीर्ति वर्मा से शादी कर ली, और वो दोनों बस एक साथ में बहुत 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 खुश हैं। इसके लिए आपका यूनिवर्स धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, तो आज का जो उपाय है वो है वागेश्वरी देवी यानी माता सरस्वती, जो किसी की जवान पर बैठ जाए तो बात को सत्य कर देती हैं, और यही सरस्वती देवी, इनकी अगर आप सिद्धि बात कर लेते हैं तो उसको वाक् सिद्धि बोलते हैं, जो आप बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। यही देवी आकर्षण की देवी है,
तो यदि आप किसी इंसान के पीछे पड़ जाएं कि ये आपको चाहिए है या इसे छुटकारा चाहिए है या ये आपके पास चाहिए, माता पिता भाई बहन हो, प्रेमी प्रेमिका हो, पति हो पत्नी हो, दादी चाचा ताई नानी सास ससुर ब्ला ब्ला जेठानी दीवार कुछ भी हो सकता है, जिस रिश्ते के पीछे आप पड़ जाएं कि ये मैं सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ या इसको मैं अपने से अलग करना चाहती हूँ, तो देवी सरस्वती कार्य करती हैं। इसके अलावा यदि आप वाक सिद्धि चाहते हैं और वाक सिद्धि आपने प्राप्त कर ली है तो देवी सरस्वती की ही प्राप्ति करनी पड़ती है। तो जो भी आप बोलते हैं वो सत्य होता है, यही नहीं प्रडिक्शन सही जाती हैं। जैसे कि मान जाए, सपोज करो मैंने वाक सिद्धि प्राप्त कर ली, मेरी हर बात कहीं भी सत्य होती है, तो उसके लिए जब मैं बोलूंगी कि माधव की शादी नेहा के साथ हो गई है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बहुत खुश हैं, तो ये बात सत्य हो गई और ये बात सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये सब जितने नाम ले रही हूँ ना ये सब मेरे, अब आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो इस तरीके से कोई भी नाम हम बोल सकते हैं और जितना ज़्यादा हम यूनिवर्स में नाम भेजते हैं वो कार्य उतना जल्दी पूरा होता है। आज जब भी आप कोई काम करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने 10 बार कहा है कि उसको एक कॉपी में लिख लो और एक निश्चित टाइम, जैसे 3:03 हो गए, 4:04, उस समय कम से कम 11 बार उस मंत्र को अवश्य बोला करो। मंत्र नहीं मतलब उस बात को, जैसे एक लड़का है उसकी या नाम मैं नहीं ले सकती, बट उस लड़के से मेरी परसों बात हुई थी, उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसके सामने उसे धोखा देकर किसी और लड़के के साथ चली गई और उसके साथ भी थी और उसके साथ भी थी, उसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, वो शॉक था कि कल उसके साथ थी आज मेरे साथ है। तो मैंने उसको बोला कि तुमको कुछ नहीं करना है, मंदिर में जाके महादेव की सिर्फ इतना ही बोलना है कि फला फला लड़की को देने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वो मुझे बहुत प्यार करती है और वो मेरे साथ है। इतना ही बोला था मैंने, इससे ज़्यादा नहीं कुछ बोला था। तो हुआ क्या, हुआ ये कि सच में उस लड़की का फ़ोन उस लड़के के पास आया, जबकि उनके बीच में झगड़ा हो गया था किसी और लड़के को लेके, और उसने उससे बात करना शुरू कर दी वापस। तो ऐसा भी होता है। तो चूंकि उसने एक निश्चित टाइम पे जाकर मेरे कहे हुए समय पे मंदिर में जाके बोला था, और जो शब्द मैंने मंत्र नहीं दिए थे उसको, कोई जाके मंत्र बोल गया हो ना, सिर्फ उसको इतना बोला था, जाके एक टाइम दिया था और स्वयं बोला था इस टाइम मंदिर चले जाना, ठीक उसी समय मैं भी यहाँ से एक प्रेयर कर रही हूँगी, तो मैं बस मंदिर में जाके बोलना है ये लड़की मेरे से वापस आ जाए और इसको वो जो लड़का है उसको छोड़ के आए, इस तरीके से। तो यूनिवर्स काम करती है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से यूनिवर्स से कोई भी बात मनवा सकते हो। तो आज का जो प्रयोग था वो 8 मिनट ऐसे ही हो गए, पर आपको बताऊंगी अभी तक जितनी बातें बताई वो काम की बात बताई, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं बताई है। पेपर पे लिख लेना बात को, बार बार बोलना पॉजिटिवली, आपको कोई मंत्र नहीं आता, नहीं आता नहीं आता नहीं आता, कोई बात नहीं यार, मंत्र कभी गलत मंत्र बोलने से अच्छा है कि मंत्र ना बोलो। तो क्या करते हैं, पेपर पे लिख लो उसको, दिन में 3-4 बार बोलो, 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, पॉजिटिव वर्ड लिख लो, दबा दो कहीं छुपा दो, बात सत्य हो जाती है, राइट। आज का जो प्रयोग है वो माता सरस्वती के ऊपर ही है, अधिक मास आ रहा है और चल भी रहा है इस समय। तो आपको क्या करना है, यदि तुम्हारी सच्ची कोई मनोकामना है, देसी अखंडित पान लेना है। क्या लेना है, देसी अखंडित पान लेना है, और उस पान को ऐसे हाथ में ऐसे पान को रख लेना और उसके ऊपर 5 लौंग रख लेना और हर लौंग पर 51 बार अपनी बात को बोल देना। कौन सी बात, अब किसका नाम ले, सोचो किसका नाम लेना सही है, किसने मुझे बोला होगा कि मेरा नाम भी ले लेना, तो नाम समय याद नहीं आते हैं, कौन थी, मतलब मुझे तो बहुत सारे लोग बोलते ना, पर मुझे अभी समय ना, अरे यार याद नहीं आ रहा, अभी बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ ना तो याद नहीं आता है। ठीक है, तो जो भी है आ,
यार मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे, और मैं एक कॉपी में मैंने लिखा था कि मुझे किस किस के नाम बोलने हैं, पर वो कॉपी नहीं उठा पाई मैं, वीडियो बनने लगी। चलो ठीक है, तो आपको पेपर लेना है और उस पेपर पे दो सॉरी एक पान का पत्ता लेना, उस पर चौल लौंग रखनी है, और माता के मंदिर में चले जाना, देवी के मंदिर ही जाना है, सरस्वती माता का मंदिर मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छा। वहां पे जाके आपको हर लौंग पर 54 टाइम 54 बार क्या बोलना है, पुराना ही कोई नाम बोल देते हैं, जैसे इमरान और आकाश बेस्ट फ्रेंड हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए हे माँ पा सरस्वती आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये तो मैंने आपको बोला है, लेकिन आप जब अपने लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं आकाश, मैं इमरान, या फिर अगर आप लड़के हैं या लड़कियां हैं, कल मेरे पास एक लड़की का भी फोन आया था, उसने भी ऐसी कुछ बोला था। चलो तो मैं प्रतिभा, या मैं आकाश नहीं सुन, या फिर मैं इमरान खान आकाश से बहुत बहुत प्यार करता हूँ और आकाश भी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसके लिए माँ सरस्वती आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 54 टाइम एक लौंग पे रख बोलना है, उसको लौंग को पान के पत्ते पे रखना है, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, फिर वो पूरी की पूरी उठा के कहाँ रख देनी है, माँ सरस्वती के पास। इन केस आपके वहाँ माँ सरस्वती का अगर मंदिर नहीं है तो फिर आप कहाँ रखोगे, तो फिर आप रखोगे देवी दुर्गा के पास, क्योंकि देवी दुर्गा को सभी देवी देवताओं का गढ़ माना गया है। ठीक है, तो इसको करके देखना है, एक पान के पत्ते पे पांच लौंग रखनी है, मन्नत बोलते हुए, अगर आपकी जॉब की मन्नत है तो जॉब के लिए बोलेंगे, प्यार की मन्नत है तो प्यार के लिए बोलेंगे, यदि आपको अपने पार्टनर से तलाक चाहिए है तो तलाक के लिए बोलेंगे कि फला का तलाक फला से हो गया। ठीक है, तो आपको मेरा मतलब मेरा मतलब वो व्यक्ति जो अपने लिए बोल रहा है कि उसमें नाम लेना, जैसे मैं अमित वर्मा और मेरा तलाक सुमेघा सिंह से हो गया, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, इस तरीके से उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, ऐसे बोल के करो, और एक दिन नहीं करना है बच्चों, रोज करना है। इसी तरह से हमारी एक आंटी जी हैं, माँ है मेरी, और वो है दिल्ली से, उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी बहू घर छोड़ के चली गई है और वो चाहती हैं उनकी बहू घर वापस आ जाए। मुझे उम्मीद है कि वही मेरा वीडियो देख रही होंगी, तो माँ मुझसे कृपा करके कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैंने कुछ खास प्रयोग बनाया था, आपका नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप अगर मुझे कॉन्टेक्ट कर लेंगी तो मैं आपको वो प्रयोग बताऊंगी, आपकी बहू जल्दी जल्दी घर वापस आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए। और हाँ एक और बात बता रही हूँ, मैंने एक कंटेस्ट रखा है 2017 जनवरी 10 से लेके 15 सितंबर 2020 तक, जितने भी वीडियो डाले हैं उन सारे वीडियो को देखिए और उसमें क्या क्या बताया है उसे लिखिए, और उसमें हर वीडियो के अंदर एक मैसेज डालिएगा कमेंट बॉक्स में, हर हर महादेव, जिसका कमेंट बॉक्स ना खुला हो उस पर नहीं, और फिर उन सबकी स्क्रीन शॉट खींच खींच के मुझे भेज दीजिए, जितने भी भेजेंगे 1300 वीडियो हैं लगभग, जितने लोग भी भेजेंगे उन सभी लोगों का मैं आचार्य संध्या सक्सेना सद्य गुरुचन भेजूंगी तिलक बना के, क्योंकि वैसे गुरुचन बहुत महंगा आता है, अगर आप मुझसे ऑर्डर करेंगे 7-8 हज़ार रुपये का आता है, लेकिन क्योंकि मैं बाहर से मंगाती हूँ, मेरा जो है साउथ अफ्रीका नाइजीरिया से आता है। ठीक है, पहले ही वह मंगा के रखना पड़ता है क्योंकि फिर शॉर्ट हो जाता है, तो आज मंगाना भी है, थोड़ा सा और कम पड़ गया था तो अधिक माह से उसमें मैं उसे पूछ के सिद्ध कर सकती हूँ, और वैसे नवरात्र भी आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को चाहिए है तो आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम है, क्योंकि 1 महीने तक आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमेशा खुश रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच, भगवान आप सब पे कृपा बनाए।